तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो गाइस, अगर आप लोग भी कुछ इस प्रकार का स्वामी विवेकानंद जी का जयंती का पोस्टर एडिटिंग करना चाहते हो तो गाइस बने रहिए इस वीडियो के साथ, क्योंकि आज मैं सबसे आसान तरीके से ऐसा पोस्टर एडिटिंग करने को बताने वाला हूँ। और गाइस, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी, उसको आपको डाउनलोड कर लेना है। तो सबसे पहले उसके लिए एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी जो कि पिक्सल लैब है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या आप लोग प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। तो चलो पिक्सल लैब को ओपन करते हैं। तो पिक्सल लैब ओपन होने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। तो आपको सिंपल से थ्री डॉट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गाइस नीचे की तरफ आपको ऑप्शन मिलेगा ओपन PLP फाइल, तो उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गाइस ऊपर की तरफ आपको तीन ऑप्शन शो होंगे थे, तो उसमें से भी आपको PLP पर क्लिक करना है। PLP पर क्लिक करने के बाद गाइस जो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूँ उसको डाउनलोड करने के बाद आपके फ़ोन में जहाँ कहीं भी जाता है उसको ढूंढ लेना है। तो मैं पिक्सल लैब में बनाया हूँ, तो चलो पिक्सल लैब ओपन करते हैं। तो पिक्सल लैब ओपन होने के बाद गाइस आपको लिखा हुआ मिल जाएगा स्वामी विवेकानंद जयंती 3 PLP, तो उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गाइस ओपन एंड एड पर क्लिक कर देना है। ओपन एंड एड पर क्लिक करने के बाद गाइस सिंपल से आपको एक बार बैक आ जाना है। बैक आने के बाद गाइस देख सकते हो कि हमारा बनाया हुआ पोस्टर एड हो चुका है। तो इसमें से आप जो चेंज करना चाहते हो अपने हिसाब से कर सकते हो। जैसे कि ये मेरा फ़ोटो हटा कर यहाँ से अपना फ़ोटो लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो, और यहाँ पर अपना नाम लिख सकते हो। तो चलो गाइस मैं नाम लिख कर दिखा देता हूँ। तो देख सकते हो गाइस कि हमने नाम लिख कर यहाँ पर लगा दिया है। तो आई होप गाइस आपको वीडियो समझ में आ गई हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।